हेलो क्या हाल चाल आपके आज मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी क्योंकि मैंने एक भी नहीं करी अभी और जो पिछली वाली थी वो वो थोड़ा इफ्तार से रिलेटेड थी अब करती हूँ आपके साथ बहुत बढ़िया नवरात्रि मेरे को ना नवरात्रों में अभी तो मैं रिसेंटली ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज के लिए बहुत बाहर बार बाहर बाहर जाती थी ना तो नहीं रख पाती थी लेकिन बचपन में जो मैं करती थी ना ड्राई वो मैं आपको दिखाती खाती हूँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया मैंने साबूदाना ले लो भिगा हुआ और बॉयल्ड आलू ले लो और थोड़ा से मसाले डाल लो अपने हिसाब से जो जो नवरात्रों में डालते हैं आ, अलग से जैसे और आ, इसको ना एक कटोरी लो कोई भी दो तीन ले लो क्योंकि एक जना एक तो खाएगा कम से कम तो फिर उसके हिसाब से ले लो और अच्छी खासी ना लेयर लगा दो कटोरी के ऊपर और हल्का सा ऑयल लगा देना पहले ठीक है इस तरीके से ना कटोरी को पूरा भर दो मैंने मतलब कटोरी से एकदम थोड़ा सा ऊपर तक ऐसे भर दिया और उसके बाद मम्मा भी हेल्प कर रहे हैं जो कि मतलब वैसे ये कटोरी ये मैंने बनाई है पूरी की पूरी मम्मी से सजा रही थी मम्मी ने ट्राई करा मम्मी से नो इस बार मैंने करा देख रहे हो प्रो हो गई हूँ मैं अब धीरे धीरे <laughs> फ्राई करा इसको जो एक्सेस ऑयल लगे आपको टिश्यू से रिमूव कर दो फिर उसके बाद कौन बचपन में टिक्की खाता होता था ऊपर तो से ये सब डाल के वो भाई आज थोड़ा फैंसी तरीके से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो जाता है ना वही चीज़ को फैंसी तरीके से दे देते हैं टेन टाइम ज़्यादा प्राइस करके अब मैं भी आपको फैंसी तरीके से दे रही हूँ तो टेन टाइम ज़्यादा लाइक्स कर देना ऊपर से डालो बॉयल्ड आलू थोड़ा सा नमक भुना जीरा वगैरह ये सब डाला और ना मेरे पास तीन चार तरीके के ड्राई फ्रूट्स जो पड़े थे घर पर मैंने सब डाल दिए क्योंकि ड्राई फ्रूट से बड़ा रिच सा फ्लेवर आएगा ऐसा टेस्टी सा बढ़िया मजा आ जाएगा और फिर उसके बाद ये डालने के बाद और चाहो तो आप इसको छोटे छोटे छुट पीसेस भी कर सकते हैं जैसे अखरोट तो बड़े होते हैं ना तो वो तो मैंने छोटे छुट छोटे ऐसे हाथ से कर दिए ऊपर से दही का दही ली मैंने एक बाउल में और एक एक बार मिक्सी वो जो हैंड होता है हैंड ब्लेंडर होता है ना एक बार घुमा दिया बस और उसी में वो फिट गई जो भी है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना थोड़ी सी ये हरी चटनी और लाल चटनी ये घर पे बनी बनाई थी वो डाली है और ऊपर से बस थोड़ा सा सजाने के लिए अनार नार, नार धनिया वनिया ये सब डालो और अच्छा फ्लेवर आएगा और उसको खाओ इतना ज़्यादा रिच फ्लेवर आएगा ना इतना ज़्यादा बढ़िया और मतलब आई लाइक इट यही तो मतलब आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है क्या पसंद आया है नहीं आ, कटोरी साबुदाना आलू कटोरी चाट फॉर नवरात्रे आई होप यू लाइक डिट और मम्मा से मैं थोड़ा सा चिढ़ रही थी अभी मम्मा आए क्योंकि uh, मम्मा छोड़ के चल गए थे और मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे सारी भी नहीं फिर मैंने बनाई सब्सक्राइब